रतनपुर नामी एक गांव में नंदू नाम का एक टोटो वाला अपनी बीबी टुम्पा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वो बहुत गरीब थे। टोटो चलाकर जो भी कमाई होती थी उसी से घर चलाते थे। नंदू बहुत ही सीधा साधा इंसान था, मगर उसकी बीबी बहुत ही लालची थी। ज्यादा पैसे के लिए नंदू को देर रात तक टोटो चलाने के लिए जोर करती रहती थी। एक दिन नंदू टोटो लेकर जल्दी घर लौट आए। अरे टुम्पा, कहाँ हो? जरा पानी तो पिलाना, बहुत गर्मी है बाहर, गला एकदम सूख गया है। जरूर पिलाऊंगी, लेकिन बाद में, पहले आज का कमाई निकालो। ए लो भाग्यवान, आज की कमाई बस इतना ही? बाकी के पैसे कहाँ हैं? कहाँ छुपाया है तुमने? वो आज गर्मी की वजह से बाहर लोग कम निकले हैं, और मैं भी तो आज घर जल्दी आ गया ना, तो आज ज्यादा नहीं कमा पाया। ये सुनकर टुम्पा को गुस्सा आ जाती है, इसलिए वो गुस्से से नंदू को कहा, ऐसी बात है तो कल से तुम जल्दी निकलोगे और देर से आओगे और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओगे, समझे? रात को दोनों सो जाते हैं। बहुत सुबह सुबह टुम्पा नंदू को नींद से जगा देती है। नंदू और क्या करे, उठकर अपना टोटो लेकर निकल जाता है। नंदू को उठाकर टुम्पा फिर से सो जाती है। देर तक नींद पूरा करके टुम्पा जब उठी तो सोचने लगी, अच्छा हुआ जो आज नंदू को जल्दी निकाल दिया, ज्यादा देर तक रस्ते में घूमेगा तो ज्यादा पैसा कमाएगा। नंदू अपना टोटो लेकर जब जा रहा था तब एक आदमी ने टोटो रोका। अरे ओ टोटो वाले भैया, रोको रोको। नंदू उस आदमी के बुलाने पर टोटो रोकता है। कहाँ जाना है? रामपुर चलोगे क्या? हाँ चलूंगा। कितना पैसा लोगे? 30 रुपए भाड़ा है। 30 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा हो गया भैया, मैं तुम्हें 15 रुपए दे पाऊंगा, चलना है तो चलो। नंदू और क्या करे, वो 15 रुपए में ही मान गया। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए, सुबह सुबह आप ही मिले हैं, पहुंचा देते हैं। वो आदमी तब टोटो में बैठ जाता है। नंदू उसे लेकर रामपुर छोड़ देता है। उस आदमी के चले जाने के बाद नंदू की नजर टोटो के पीछे वाली सीट पर जाती है। वहाँ एक बैग पड़ी हुई थी। नंदू ने सोचा वो आदमी जल्दी में छोड़ गया है। नंदू तब चारों तरफ देखा, पर उसे वो इंसान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब वो सोचा, जहाँ से वह आदमी चढ़ा था वहीं जाके पता लगाऊंगा, वह मिल ही जाएगा, तब उसे यह लौटा दूंगा। सुबह से रात हो जाती है, लेकिन पूरे दिन कुछ खास आमदनी नहीं होता। अब मुझे घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, आज भी कुछ ज्यादा पैसे हाथ नहीं आए, टुम्पा फिर कुछ खरी खोटी सुनाएगी। नंदू तब उदास मन से घर चला जाता है। घर जाकर रोज की तरह सारे पैसे अपनी बीवी के हाथों दे देता है। इतना थोड़ा सा पैसा देखकर टुम्पा गुस्से से लाल हो जाती है। आज भी इतना सा पैसा? पूरे दिन क्या किया? हे भगवान, इसकी ईमानदारी हमें भिखारी बनाकर छोड़ेगी। टुम्पा की रोज रोज की ऐसी खिटखिट से आसपास के पड़ोसी भी तंग आ चुके थे। सभी सीधा साधा नंदू के किस्मत पर अफसोस करता है। अरे भाई, इनका तो ये रोज का हाल है, रोज लड़ते झगड़ते रहते हैं। हाँ भाई, नंदू तो सीधा साधा है, उसकी बीबी के सामने कुछ नहीं चलती। टुम्पा जब नंदू पर चिल्ला रही थी तब उसकी नजर उस बैग पर जाती है जो टोटो में पड़ा हुआ था। टुम्पा उसे उठा लेती है और खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर काफी सारा रुपया है। टुम्पा इतना सारा रुपया देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे लॉटरी लग गई है क्या? इतना पैसा? ये बैग तुम्हें मिला कहाँ से? अरे यह तो एक सवारी का है, वही आज सुबह का पहला सवारी था, शायद जल्दी में था इसलिए बैग सीट पर ही छोड़ के चला गया। कल उसका घर ढूंढकर बैग को वापस कर दूंगा। अरे पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा ईमानदारी का क्या हम पकौड़ा बना के खाएंगे? तुम इस बैग को वापस नहीं करोगे? इतना सारा पैसा एक साथ हाथ लगे है और तुम इसे वापस करने को बोल रहे हो?
तुम्हारा एक महीने की कमाई इतनी नहीं होती जितनी इस बैग में रखी है। और सुनो, आगे भी कोई सवारी तुम्हारे टोटो में सामान भूल जाए तो उसे लेके सीधा मुझे दोगे, समझे? नंदू को ये बात बिल्कुल भी नहीं भाई, मगर वो बेबस होकर टुंपा की बात मान लिया। उस दिन के बाद से अगर कोई सवारी उसके टोटो में सामान भूल जाता तो नंदू उसे ले जाकर टुंपा को दे देता था। कभी पैसा निकलता था तो कभी गहने और कभी खाने का सामान मिल जाता था। एक दिन नंदू के टोटो में एक तांत्रिक बाबा बैठा। अरे ओ टोटो, रुको तो, मुझे जाना है। हाँ बाबा, बोलिए कहाँ जाना है आपको। जरा वह पास वाले जंगल पहुँचा दोगे? हाँ बाबा बैठिए, मैं आपको वहाँ पहुँचा देता हूँ। कितना भाड़ा लोगे? 30 रुपए। चलो ठीक है, दे दूंगा। तांत्रिक नंदू के टोटो में बैठते है, नंदू उसे जंगल तक पहुँचा देता है। तांत्रिक उसको भाड़ा देकर चला जाता है। जाते वक्त तांत्रिक अपना एक डब्बा टोटो में भूल जाता है। नंदू के नजर में जब वो डब्बा आया तब नंदू डब्बा लेकर उसमें क्या है ये देखने के लिए उसे खोला। डब्बे में एक आत्मा कैद था। डब्बा खोलते ही उसमें से वो आत्मा निकलकर नंदू के अंदर घुस जाता है। हा, इतने साल के बाद आखिर इस छोटी सी टिब्बी से निकलकर एक इंसान का शरीर मिल गया है। अब मैं लोगों को मार मार कर खाऊंगा। तभी जंगल से एक आदमी निकलकर कहीं जा रहा था और उस आदमी को वो भूत देख लेता है। अरे वाह, इतनी जल्दी शिकार भी मिल गया, आज तो मजा आ गया, इसे अभी मार कर खाता हूँ। ये कहकर भूत उस आदमी को नोच नोच कर खून पी लेता है और फिर नंदू के रूप धारण करके नंदू का टोटो लेकर घर चला जाता है। घर जाते ही नंदू सो जाता है। आधी रात को टुंपा को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उठकर देखती है कि नंदू सोते सोते ही कुछ अजीब आवाज कर रहा है। टुंपा उसे नजरअंदाज करके सो जाती है। सुबह टुंपा उठकर देखती है कि नंदू रोज की ही तरह टोटो लेकर जा रहा है और बाहर कुछ गांव वाले जमा होकर आपस में बात कर रहे हैं। बात क्या है, ऐसा क्या हो गया, जरा देखूं तो। टुंपा वहां जाकर एक औरत से पूछती है, क्या हो गया है बहन? अरे पूछो मत टुंपा, सुबह एक आदमी जंगल के पास बहुत बुरी हालत में मिला है। बुरी हालत में? कैसी बुरी हालत, क्या हुआ था उसे? ऐसा लगा कि उस आदमी को कोई जंगली जानवर नोच नोच कर खा लिया है। मैं तो देखकर ही घबरा गई थी। ऐसा क्या, हमारे जंगल में कोई भयानक जानवर घुस आया है क्या? मैं भी अपने पति से कहूंगी कि जरा संभाल कर टोटो चलाए। दूसरी तरफ नंदू के अंदर घुसा भूत टोटो चला रहा था। उसे जो भी सवारी मिलता उसे बैठा कर वो जंगल की तरफ ले जाता था और भूत बनकर उसे खा जाता था। ऐसा करते करते रात हो जाती है और वो भूत नंदू का रूप धारण करके घर चला आता है। उस रात को टुंपा को फिर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। टुंपा उठकर देखती है कि उसका पति घर से बाहर जा रहा है। अरे इतनी रात को ये कहाँ जा रहा है, जरा देखूं तो। टुंपा उसका पीछा करती है। तब नंदू जंगल की तरफ जाकर फिर से भूत के रूप में आ जाता है। टुंपा ये देखकर बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है, मेरे पति भूत कैसे बन गए? तब वो भूत किसी आदमी को मारकर खा रहा था। टुंपा ये सब देखकर डर जाती है और घर आकर कमरे में बैठकर रोती रहती है। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया, बहुत डर लग रहा है, मेरे पति भूत कैसे बन गया। रोते रोते टुंपा सो जाती है। उधर वो भूत वापस नंदू बनकर घर आकर दोबारा सो जाता है। सुबह उठकर फिर से टोटो लेकर निकल जाता है। सुबह उठकर टुंपा रात की बात याद करके उसका हाल सोचने लगती है। तभी उसे याद आता है कि जंगल में एक तांत्रिक बाबा रहता है। अब तो वही कुछ कर सकते हैं,
अब मुझे उसी बाबा के पास जाना चाहिए। टुम्पा उस तांत्रिक बाबा के पास जाकर सारी बातें बताती है। तो मेरा शक सही निकला। कुछ दिन पहले मैं तेरे पति के टोटो में बैठा था। उतरते समय गलती से एक डब्बा टोटो में छोड़ आया था, जिसमें एक बुरी आत्मा कैद थी। तेरे पति ने उस डब्बे को खोलकर देखा और तभी उसके अंदर वह बुरी आत्मा समा गई। हे भगवान, मेरे लालच की वजह से मेरे पति आज मुसीबत में है। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी। बाबा, आप ही इसका हल निकालिए। चिंता मत कर बेटी, तेरा पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं अभी ही अपने योग शक्ति से पता लगा लिया हूँ कि डब्बा अभी भी उस जंगल में पड़ा हुआ है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। तांत्रिक उस डिब्बे को जंगल से लेकर आते हैं और टुम्पा के साथ उसके घर जाते हैं। फिर मंत्र पढ़कर उस भूत को अपने वश में कर लेता है। फिर तांत्रिक उस भूत को नंदू के शरीर से निकाल कर अपने डब्बे में दोबारा कैद कर लेता है और नंदू वापस पहले जैसा बन जाता है। शुक्र है भगवान का कि तुम सही सलामत हो। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगी। तुम्हारा ईमानदारी की कमाई से जैसे भी हो खुशी खुशी रहेंगे। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे। इस कहानी के जैसा और भी मजेदार कहानियां देखने के लिए स्क्रीन में दिया गया वीडियो में क्लिक करके देख सकते हो। और ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियां के लिए वेबटून्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके रखिए।